Hello students, welcome to lecture 6 of chapter 1, that is Cell, the Unit of Life. My name is Dr. Shubham Kaushik and I'm Senior Biology Faculty at PP Sawani Center for Excellence. So till now, we have covered cell membrane, cell wall, the endomembrane system in which we have endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosomes and vacuoles. Okay? हम लोगों ने अब तक ये सारी चीजें कवर अप कर ली हैं। अब हम लोग इस लेक्चर में माइटोकॉन्ड्रिया को कवर करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो माइटोकॉन्ड्रिया आप लोगों ने पहले की क्लासेस में भी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा होगा। इसमें हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, बाकी माइटोकॉन्ड्रिया वही है जो आपने पढ़ा था, स्ट्रक्चर वही है जो आपने पढ़ा था, बट कुछ चीजें एक्स्ट्रा हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको माइटोकॉन्ड्रिया का दिख रहा है। इसमें ये सबसे बाहर जो है, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें दो मेम्ब्रेन होगी माइटोकॉन्ड्रिया में, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन। उसके बाद है इनर मेम्ब्रेन, ये जो आपको दिख रहा है, बट इनर मेम्ब्रेन जो है वो एकदम सीधा नहीं है, इट इज सम काइंड ऑफ फोल्डेड। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन है वो ऐसे फोल्डिंग्स बनाया हुआ है। ठीक है, और इन फोल्डिंग्स को हम बोलते हैं, इनर मेम्ब्रेन की जो फोल्डिंग्स है इनको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टे। ठीक है, अब ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है हमको, दीज आर राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का फंक्शन हमको पता है, इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमको दिख रहा है, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में एक गैप है। ठीक है, मान लीजिए दो वॉल है, आउटर वॉल और इनर वॉल, दो वॉल के बीच में जो गैप होगा उसको हम बोल रहे हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, इसको हम लोग पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी बोलते हैं, PMS। ठीक है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस को और क्या बोलते हैं, PMS, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, अब जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाला पोर्शन है, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन का जो अंदर वाला पोर्शन है ये, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स या फिर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इसपे हमें डीएनए मिलेगा, बट ये डीएनए सर्कुलर होगा, ये सेल के जो न्यूक्लियर डीएनए है उससे अलग होगा। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है। वैसे हमने क्या पढ़ा था कि सेल में जो डीएनए होगा वो न्यूक्लियस में होगा, ऑर्गेनल्स जो है वो न्यूक्लियस के डीएनए के एक्शन पे काम करेंगे। ठीक है, बट माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए है। क्यों ऐसा है ये हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, इस लेक्चर्स में भी हम लोग काफी चीजें उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अगर हमें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कस करना हो, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विद आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, इट डिवाइड्स ल्यूमन इनटू टू एक्वस कंपार्टमेंट, आउटर कंपार्टमेंट एंड इनर कंपार्टमेंट। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स ए नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स, इनर मेम्ब्रेन जो है वो नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स बना रहा है टुवर्ड्स द मैट्रिक्स, दे इंक्रीज सरफेस एरिया। तो ये क्यों फोल्डिंग हो रहा है, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। अब हम देख रहे हैं कि जो इनर मेम्ब्रेन है वहां पे कुछ एफ नॉट एफ वन पोर्शन जैसा दिख रहा है, दिस इज नोन एज एफ नॉट एफ वन पार्टिकल एंड इट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। ठीक है, एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। जैसे अगर कंट्री में, इंडिया में अगर कुछ भी करना है तो यू नीड रुपीज। ठीक है, हर चीज के लिए पैसे चाहिए, ऐसी सेल में हर चीज के लिए एटीपी चाहिए, हर फंक्शन के लिए एटीपी चाहिए। तो एटीपी बनाने का काम है माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर माइटोकॉन्ड्रिया में अगर कोई पूछता है कि कहाँ बनते हैं, बाय द हेल्प ऑफ एफ नॉट एफ वन पार्टिकल प्रेजेंट इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया, आगे चलते हैं इसमें। अब माइटोकॉन्ड्रिया को अगर हमें माइक्रोस्कोप में देखना है तो हमें स्टेन करना पड़ेगा, उनका नंबर, उनका शेप, उनका साइज, वो सेल टू सेल चेंज होने वाला है। ठीक है, अगर कोई सेल मेटाबॉलिज्म में स्लो है तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया कम होंगे, अगर कोई ज्यादा काम करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा है, तो उससे माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे। ठीक है, इसका शेप जो है इसको हम बोलते हैं सॉसेज शेप, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, डायमीटर ऑफ 0.221 माइक्रोमीटर, एवरेज जो है 0.5 माइक्रोमीटर, और जो लेंथ है वो 1-4 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई पूछे कि सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया, कोलिकर फर्स्ट ऑब्जर्व माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल एंड स्ट्रिप मसल ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, एल्टमैन एस्टेब्लिश्ड सेल ऑर्गेनल एंड कॉल्ड बायोब्लास्ट, सबसे पहले उसको सेल ऑर्गेनल बताने वाला एल्टमैन था। फ्लेमिंग एंड एल्टमैन वाज क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अगर क्वेश्चन आता है हु डिस्कवर्ड
माइटोकॉन्ड्रिया, तो उसमें ऑप्शन आएगा फ्लेमिंग एंड अल्टमैन। अगर ऑप्शन में दोनों में से कोई एक चूज करना है तो हम लोग अल्टमैन चूज करेंगे, ठीक है। और ये जो टर्म है वो दिया सी बेंडा ने, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन अब आना कम हो गए हैं, बहुत कम आते हैं साइंटिस्ट के नाम वाले क्वेश्चन, ईयर वाले क्वेश्चन। फिर भी दो या तीन क्वेश्चन आउट ऑफ 180 क्वेश्चन जो है वो आएंगे, तो हमको ये मान के चलना है कि दो तीन क्वेश्चन जो है साइंटिस्ट के नाम वाले, ईयर वाले आएंगे, ठीक है। नंबर जो है वो 1000 to 1600 पर सेल हो सकता है, ठीक है। जैसे कि माइक्रो एस्ट्रियसिस में एक ही होगा, क्लोरल फ्यूस्का में जो एक एल्गी है उसमें एक ही होगा, 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया एंड अमीबा, एक अमीबा के अंदर 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। ऑल द माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन ए सेल आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज कॉन्ड्रियम। सारे माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल में सबको मिलाकर हम बोलते हैं कॉन्ड्रियम, ठीक है। एक जगह पे बहुत सारे लोग खड़े तो हम बोलते हैं भीड़ है, ठीक है। बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया को हमने बोल दिया कॉन्ड्रियम, ठीक है। यूजुअली प्लांट्स हैव प्योर माइटोकॉन्ड्रिया एज कम्पेयर टू एनिमल सेल, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। प्लांट में माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं एज कम्पेयर टू एनिमल सेल, क्यों? क्योंकि प्लांट को कोई मूवमेंट नहीं करना, कोई भागा दौड़ नहीं करना, ठीक है। उसका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है एज कम्पेयर टू एनिमल। इन हायर एनिमल्स मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड, ठीक है। तो जो बर्ड्स होते हैं जो काफी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, जो 1000 miles 2000 miles तक कंटिन्यूसली उड़ते रहते हैं, ठीक है, जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, उनमें जो है हाईएस्ट, उनके मसल्स में हाईएस्ट माइटोकॉन्ड्रिया अब तक हमने फाइंड किया है, ठीक है। उसके बाद कुछ चीजें इसमें से हम लोगों ने डिस्कवर जो है डिस्कस कर लिए यहाँ पर। आउटर मेम्ब्रेन हैज मोर फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल एज कम्पेयर टू इनर मेम्ब्रेन, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉस्फोलिपिड जो है, कोलेस्ट्रॉल जो है, वो आउटर मेम्ब्रेन पे ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू इनर मेम्ब्रेन। फॉस्फोलिपिड इन इनर मेम्ब्रेन इज मेनली डाइफॉस्फेटाइल ग्लिसरॉल एंड इनर मेम्ब्रेन है मोर प्रोटीन, ठीक है। तो इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन ज्यादा होगी और आउटर मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद ईच मेम्ब्रेन इज 60 to 75 एंगस्ट्रॉम थिक एंड सेपरेटेड बाय 80 to 100 एंगस्ट्रॉम पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में इतना स्पेस होने वाला है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में, जिसको हम यहाँ पर देख रहे थे इंटर मेम्ब्रेन जो स्पेस था, जिसको हम लोग पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी बोलते हैं। और इस स्पेस में एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, इस स्पेस में क्या प्रेजेंट है, वो एंजाइम्स जो फैट को तोड़ती है। अगर मान लीजिए आपने खाना नहीं खाया 2 दिन से, तो आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाएगा, तब क्या होगा, फैट का टूटना स्टार्ट होगा। लोग फास्टिंग करते हैं, डाइटिंग करते हैं, क्यों करते हैं, कि कार्बोहाइड्रेट कम हो, उनके बॉडी में जो फैट जमा हुआ है वो टूटना स्टार्ट हो और वो उनका वेट कम हो जाए, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। वो कहाँ होगा, इस पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में होगा, वहां से भी ATP ही बनेगा, ठीक है। इफ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज मूव्ड देन इट इज कॉल्ड एज माइटोप्लास्ट। अगर हमने माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर की आउटर मेम्ब्रेन हटा दी तो उसे हम बोलेंगे माइटोप्लास्ट, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन जो फोल्डिंग है उन्हें हम बोलते हैं क्रिस्टे। जिस जो माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिव होगा ज्यादा, उसमें क्रिस्टे ज्यादा होंगे, ठीक है। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज द प्रोसेस इन विच ATP इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। ATP बनाने का जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कहीं कहीं इसको ETC भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होगी चेन, इनर मेम्ब्रेन पे, जहां पर F0F1 पार्टिकल था। F0F1 पार्टिकल इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड इट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ ATP, ठीक है। तो ये वही स्ट्रक्चर को हम लोगों ने यहाँ पे दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट किया है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन पे हम देख रहे हैं F0F1 पार्टिकल है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास हमने डिस्कस किया खुद का DNA है, बट वो DNA सर्कुलर होगा, GC रिच, ग्वानिन एंड साइटोसिन रिच होगा। मेनली ह्यूमन में जो DNA होता है वो AT रिच होता है, बट माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो GC रिच है। क्यों ऐसा, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक टाइम पर एक बैक्टीरिया हुआ करता था और वो एनिमल सेल में आके घुस गया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एंडोसिम्बायंट थ्योरी। उसी तरीके से जो क्लोरोप्लास्ट होता है प्लांट में, वो भी एक बैक्टीरिया होता था और वो प्लांट सेल में एंटर कर गया, ठीक है। उसको प्रोटेक्शन मिली, वो बैक्टीरिया एनिमल सेल में क्यों आ गया, क्योंकि बाहर उसे बाकी बैक्टीरिया से खतरा था,
तो वो एनिमल सेल के अंदर आके रहने लगा। तो एनिमल सेल ने बोला मैं तुझे क्यों रखूं, तो उसने बोला मैं तुम्हें एनर्जी बना के दूंगा। तो दोनों के बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशन हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोटेक्शन मिल गया जो पहले एक बैक्टीरिया हुआ करता था, और ये जो डीएनए हम दिख रहा है वो एक्चुअल में उस बैक्टीरिया का डीएनए है, क्योंकि बैक्टीरिया में हमें याद रखना है सर्कुलर डीएनए होता है, बैक्टीरिया के पास अपने खुद के राइबोसोम्स होते हैं, वो भी 70S, यूकैरियोट्स में 80S होते हैं, इसके 70S है, मतलब ये बैक्टीरिया से मैच हो रहा है, डीएनए भी इसका बैक्टीरिया से मैच हो रहा है, जीसी रिच भी इसका बैक्टीरिया से मैच हो रहा है, ठीक है। तो ये एक थ्योरी है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक टाइम एक बैक्टीरिया था, वो एनिमल्स फ्यूज सेल के अंदर फ्यूज हो गया और दोनों के बीच में एक रिलेशन बना जिसको हम सिम्बायोटिक रिलेशन बोलते हैं, जिसमें दोनों को फायदा है, ठीक है। सेम हुआ प्लांट के साथ विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंडोसिम्बायंट थ्योरी। आगे चलते हैं इसमें हम लोग, इनर मेम्ब्रेन इज स्टडीड विद पिन हेड पार्टिकल कॉल्ड ऑक्सीजोम्स एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ठीक है, और F0 F1 पार्टिकल, ठीक है। तो ये जो है वो F0 F1 पार्टिकल है, इसके दो तीन नाम और है, ऑक्सीजोम्स एलिमेंट्री पार्टिकल्स 10^4 to 10^6 एक माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेंगे, डिस्कवर्ड बाय फर्नांडिस कोरान, ठीक है। हेड जो है ऊपर का उसको हम बोलते हैं F1, ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मींस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ATP के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। राइबोसोम 70S टाइप होता है, RNA प्रेजेंट होता है और एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। सिंगल डबल स्ट्रैंडेड एंड सर्कुलर नेक DNA प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल DNA इज 1% ऑफ टोटल DNA इन ए सेल, जितना भी सेल में DNA है उसका 1% माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, बाकी 99% जो है वो न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया DNA कैन कोड द सिंथेसिस ऑफ सम टाइप ऑफ प्रोटीन, माइटोकॉन्ड्रिया अपने प्रोटीन खुद बना सकता है, बाकी कोई ऑर्गेनल ऐसा नहीं कर सकता, याद रखना है हमको। एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा कोई ऑर्गेनल खुद का प्रोटीन नहीं बना सकता, बाकी सारे प्रोटीन की बनाने के परमिशन कोड जो है वो न्यूक्लियस ही देगा। रेस्ट ऑफ द प्रोटीन एंड एंजाइम्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइज अंडर कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियर जीन्स, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया भी अपने सारे नहीं बना पाएगा, कुछ ही बना पाएगा, बाकी सब न्यूक्लियस के जीन्स ही बनाएंगे। एंजाइम्स फॉर रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ DNA आर फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है। DNA को कॉपी करने का, RNA को कॉपी करने का जो एंजाइम्स है वो माइटोकॉन्ड्रिया के पास होते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक स्पेशल ऑर्गेनल है जो कि एक टाइम पे एक बैक्टीरिया हुआ करता था, उसमें खुद सेमी ऑटोनोमस प्रॉपर्टीज है, खुद से काम करने की प्रॉपर्टीज है और फुल्ली न्यूक्लियस पे डिपेंडेंट नहीं, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ मैमल्स, अगर कोई पूछे माइटोकॉन्ड्रिया में किस तरह के राइबोसोम्स होते हैं, हमें बोलना है 70S, ठीक है। अगर कोई पूछे मैमल्स, एनिमल्स और मैमल्स में फर्क है, अगर कोई पूछे मैमल्स तो हमें बोलना है 55S टाइप होता है, ठीक है। 70S में क्या क्या था, 50+30, 55S में क्या क्या है, 35+25, ठीक है। 35+25 क्या होता है, 60, बट फाइनल क्या होगा, जुड़ के ओवरलैप होने की वजह से 55S हो रहा है, ठीक है। ये याद रखना है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते कि दो के जुड़ने से कितना कम होता है कितना ज्यादा होता है, ये सिर्फ याद रखना है, ठीक है। अब जो है ये जो मैं अभी आपको एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी बताई कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल्फ डुप्लीकेटिंग ऑर्गेनल है, ठीक है, और नए माइटोकॉन्ड्रिया पहले के माइटोकॉन्ड्रिया से डिवीजन से बनते हैं। दे आर बिलीव टू बी बैक्टीरियल एंडोसाइमेंट ऑफ सेल्स, बिकॉज क्यों ऐसा माना जाता है, क्योंकि उनके पास खुद का DNA है, सर्कुलर है वो भी, और 70S राइबोसोम्स है। बाइनरी डिवीजन शो करते हैं, जो बैक्टीरिया करते थे बाइनरी फिशन, वो हमें माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलते हैं, ठीक है। देयर मेम्ब्रेन रिसेम्बल दोज ऑफ बैक्टीरिया, इनके मेम्ब्रेन बैक्टीरिया से मैच होते हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो बताती है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक टाइम पे एक बैक्टीरिया था और वो एनिमल सेल में फ्यूज हो गया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आर डिपेंडेंट अपॉन न्यूक्लियस एंड साइटोसोल फॉर रॉ मटेरियल्स, देयरफॉर स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज पार्शियली कंट्रोल्ड बाय सेल न्यूक्लियस एंड साइटोसोल, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को खाना पीना तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म ही देगा, तो वो अपनी अपनी नहीं चला सकता, नहीं तो सेल जो है न्यूक्लियस खाना देना बंद कर देगा, तो एक तरह से वो सेल के कंट्रोल में रहता है, बैक्टीरिया अपनी मनमर्जी नहीं चला सकता, ठीक है। जैसे आपके घर में एक PG रह रहा है, वो कुछ चीजें अपने मन की कर सकता है, खाना अपने मन की पका सकता है, बट अगर वो बोले नहीं घर में पानी इस तरीके से आएगा, घर की लाइट अब जाएगी, घर की लाइट अब आएगी, ठीक है, गाड़ी यहाँ खड़ी होगी, वो नहीं कर सकता, ठीक है।
कुछ चीजें माइटोकॉन्ड्रिया अपनी मर्जी की कर सकता है, बट 100% वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो सेल ही उसे कंट्रोल करेगा। इसलिए इसको ऑटोनोमस नहीं बोल रहे हैं, इसको सेमी ऑटोनोमस, ठीक है, फुल्ली ऑटोनोमस नहीं, फुल्ली जो इंडिपेंडेंट नहीं है वो अपनी मर्जी का नहीं कर सकता, सेमी ऑटोनोमस है, कुछ चीजें अपनी मर्जी की वो कर सकता है। When ATP concentration is low or the respiratory chain is inhibited, mitochondria are seen in an inactive or orthorhodic state. Under this condition, the matrix of mitochondria occupies a larger area. ठीक है, अगर ATP concentration कम है तो matrix जो है उसका surface बढ़ जाएगा। Function हमें पता है, it is known as powerhouse of cell. ठीक है, क्योंकि वो सारी energy provide करता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, एक ग्लूकोज को तोड़ने से 38 ATP मिलता है, प्रोटीन को भी तोड़ सकता है जरूरत पड़ने पे, और फैट का ऑक्सीडेशन। हमारे सेल की फर्स्ट प्रेफरेंस होती है कार्बोहाइड्रेट, अगर वो नहीं है तो फैट, और थर्ड प्रेफरेंस होती है प्रोटीन। ठीक है, मोस्ट ऑफ द हमारे लाइफ में कभी प्रोटीन को तोड़ के एनर्जी बनाने का काम नहीं होता है, अगर हम 10-15 दिन से भूखे हैं तब जाके प्रोटीन टूटने का नौबत आएगा। ठीक है, तो एक नॉर्मल आदमी के लाइफ में ऐसा कभी नहीं आता है कि प्रोटीन तोड़ के एनर्जी बनाना पड़े। प्रोटीन का मेनली काम है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करना मेनली काम है कार्बोहाइड्रेट का, और उसके बाद स्टोरेज जो है, रिजर्व जो है वो होता है फैट। द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन व्हेन क्रेब्स साइकिल अकर्स, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद क्लोरोफिल सिंथेसिस, साइटोक्रोम सिंथेसिस, ये सारी चीजों का सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। फैटी एसिड फैट के बनता भी यहीं पे है, अमीनो एसिड का सिंथेसिस, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है मदर से बच्चों में ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम लोग जेनेटिक्स में पढ़ेंगे कि कैसे माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस होता है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन विटेलोजेनेसिस इन ओसाइट्स, ठीक है, फीमेल में एग सेल बनने में हेल्प करता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ ओसाइट्स कॉल्ड यॉर्क न्यूक्लियाई इन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस मतलब साइटोप्लाज्म से जो नेक्स्ट जनरेशन में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। ठीक है, अब कुछ पॉइंट यहाँ पर हो गए जिनको हम बोलते हैं कि एक्स्ट्रा पॉइंट है, कॉन्सेप्ट बिल्डर है। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरी कर सकते हैं, ठीक है, 25 माइटोकॉन्ड्रिया इन स्पर्म, ठीक है, 300 to 400 इन किडनी सेल्स, 500 to 1000 इन लिवर सेल्स, 50,000 इन जाइंट अमीबा, कियोस जो अमीबा का नाम है, 1,40,000 to 1,50,000 एग ऑफ सी अर्चिन, 5 lakh इन फ्लाइट मसल सेल्स, तो सबसे ज्यादा 5 lakh इन फ्लाइट मसल सेल्स। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हो गए। ग्रीन प्लांट सेल्स हैव क्लोरोप्लास्ट, ऑफन कंटेन लेसर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। प्लांट जो है ग्रीन प्लांट्स, उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं क्योंकि उनके पास क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, डॉर्मेंट इन इनएक्टिव सेल्स पोजेस फ्यूअर माइटोकॉन्ड्रिया, जो सेल्स कम काम करते हैं, इनएक्टिव रहते हैं, उनको एनर्जी की जरूरत कम है तो उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हमने माइटोकॉन्ड्रिया की कवर अप कर ली। माइटोकॉन्ड्रिया हमने कम्प्लीटली बोर्ड लेवल एंड नीट लेवल कम्प्लीट कर लिया यहाँ पर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग इसके आगे के ऑर्गेनल्स को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।